नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं अपनी टाटा टियागो की फोर्थ सर्विस करवाने के लिए। और अभी मेरी गाड़ी चल चुकी है 11,073 किलोमीटर एंड गाड़ी में समस्या क्या क्या आ रही है वो मैं आपको बताऊं। तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था कि गाड़ी के अंदर रेटलिंग नॉइज़ की समस्या है इसमें टियागो में काफ़ी ज़्यादा, तो वो वाला मैटर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि टाटा कैसे सॉर्ट आउट करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। अगली समस्या इसमें जो ये देखिए, इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ ना तो ये ऊपर अटक जाता है कई बार, तो ये आज सही करवाना है। बाकी और कोई ख़ास बड़ी समस्या नहीं आ रही। अभी अभी मैं अपने गांव की एक ट्रिप से आया हूँ तो गाड़ी गंदी है और बस ऐसी हल्की फुल्की फोर्थ सर्विस होगी। फटाफट से इसकी सर्विस करवाने के लिए चलते हैं और ये रवि भी मेरे साथ ही जाएगा। तो भाई हम लोग चल रहे हैं, पास में ही यहाँ से जेके रोड करके सर्विस सेंटर है वरेनियम टाटा मोटर्स का। एंड अभी गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है लेकिन मैं एसी नहीं चला रहा क्योंकि सिटी में कांच वगैरह खोल लेते हैं। देखिए आप, यहाँ पर ग्रीनरी है। अपने टाटा से सर्विस एग्जीक्यूटिव हैं ये सर और ये अभी गाड़ी का ट्रायल ले रहे हैं, छोटा सा गाड़ी चला के देख रहे हैं कि मतलब इन्हें सारी समस्या मैंने वैसे तो बता दी लेकिन वे ट्रायल लेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या समस्या है, आवाज़ वगैरह कहाँ से आ रही गाड़ी में। एयर प्रेशर बहुत हाई है, देखो ना, देखो कौन सी नहीं आ रही, तो गाड़ी में रेटिंग है। अच्छा, हाँ ये पीछे से ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना एयर प्रेशर ज़्यादा, रेटिंग नहीं है। हाँ जैसे ये जो गियर है ना, हाँ अब इस पे जैसे थर्ड गियर है, देखो मेरी बात को समझना, हाँ आरपीएम डाउन होकर आ जाएगा, अब इस टाइम आप गियर शिफ्टिंग नहीं करोगे, हाँ तो गाड़ी में रेटलिंग नॉइज आएगी। नहीं वो ऐसे गियर शिफ्टिंग इस टाइम पे, गियर शिफ्टिंग तो अपन प्रॉपर करते हैं सब, बस वो दचकों में आती है आवाज कई बार और ऐसा मतलब ठीक भी हो जाती है सर्विस सेंटर पे आने के बाद, बताते ना। देखो सर्विस पे जब हम गए तो जब तक सर्विस आता है ना, हाँ तब तक सारे नट बोल्ट लूज होते हैं, उनको सेट करने का काम है अपना। हाँ सर्विस इसलिए तो बुलाते हैं, तो क्यों भैया टायर प्रेशर का क्या मतलब पीएसआई में इसमें है? पीएसआई को छोड़ दो, पीएसआई की मशीन बाहर नहीं मिलती, तो अपन पंचर डलवाते हो ना, हाँ उनसे बोला करो 32 डालो, 32 चारों टायर में 32, पीएसआई आपको बाहर नहीं मिला तो आप परेशान। हाँ वही तो। तो भाई हमने गाड़ी का जॉब कार्ड बनवा लिया है और सर्विस एडवाइज़र ने गाड़ी का ट्रायल भी ले लिया है और उन्होंने रेटलिंग नॉइज़ की मेन समस्या आपने देखा होगा वो बताई कि भाई आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। कि ये रहा गाड़ी का जॉब कार्ट और जो समय दिया है इन्होंने, अभी आप अगर यहाँ पे देखें मेरे पास एक घड़ी है और इसमें 11 बज रहा है, 11 बजने में 5 मिनट की देर है और इन्होंने समय दिया भाई 3 बजे आना गाड़ी लेने, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे भोपाल में ये इकलौता सर्विस सेंटर है टाटा का और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, मतलब सुबह 9 बजे से ही पूरे भोपाल की गाड़ियाँ, आसपास की भी गाड़ियाँ आने लगती है। कम से कम भोपाल इतनी बड़ी सिटी है, 2-3 सर्विस सेंटर तो टाटा को बनाने चाहिए थे ताकि थोड़ी सी ईज़ हो जाए कस्टमर को सर्विस करवाने में। अब भाई मैं सुबह 10 बजे से आ गया और शाम को 3 बजे का इन्होंने टाइम दिया, तो सोच सकते हैं पूरा दिन ही बर्बाद जाएगा एक सर्विस करवाने में। और सर्विस में काम खास ज़्यादा कुछ होना नहीं है, ऑयल वगैरह पिछली सर्विस में चेंज करवाई थी तो इसमें नहीं होगा। बाकी लेट्स सी कितना क्या खर्चा आता है, कैसा काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे देखने को मिली कि जो नेक्सोन ईवी है ये मतलब 2-3 देखने को मिल गई, मतलब कि लोग बाग अच्छा इसे पसंद कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्यों दादा? जो है एक वो खड़ी है पीछे की तरफ, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा एक ये खड़ी है और ऐसे मतलब सर्विस करवाने आ रही है तो मतलब बिक भी रही होंगी अच्छी खासी कंडीशन में। हाँ ये अपनी गाड़ी, अभी गाड़ी जा रही है अपनी अंदर, तो ये अपनी गाड़ी को अभी अंदर लेकर के जा रहे हैं एंड तो आप उनको करने दो, उनके हाथ में है सारी गाड़ी, अपन कुछ नहीं यहाँ पे वेट ही कर सकते हैं। अपन को थोड़ा सा वो दिया है इन्होंने हिदायत कि भाई लिमिट में रह के वीडियो बनाना, कुछ ज़्यादा प्राइवेसी हमारी उसका उल्लंघन मत करना एंड हाँ मतलब ठीक है, अब इतनी देर तक वेट करेंगे तो वीडियो ही बनाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे। सो भाई अभी ये लोग सर्विस सेंटर के अंदर तो वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कम से कम ये दूसरी तीसरी चाय होगी क्यों,
तीन बार मंगलेश में तीन टाटा वालों की चाय सूत रहे हैं। यूनिवर्स टाटा मोटर्स चाय के लिए थैंक यू, चाय बहुत अच्छी बनाते हैं लोग। क्यों दादा कैसी लग रही चाय? वो शानदार है ना। चलो तो भाई लोग अभी देखिए समय हो रहा है, कितना हो रहा है, लगभग 1:15 हो रहा है और गाड़ी हमको मिल गई। भाई जानबूझ के लोग समय काफ़ी लंबा चौड़ा देते हैं ताकि जो कस्टमर है वो बार बार परेशान ना करे। भाई गाड़ी चलाने में तो थोड़ी सी स्मूथ हो गई है, कोई ख़ास ट्रायल नहीं लिया मैंने सर्विसिंग के बाद, लेकिन फिर भी थोड़ी जो आवाज़ है वो थोड़ी स्मूथ सी लग रही है, गाड़ी की चलाने में स्मूथ सी लग रही है। एंड पिकअप की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, वैसे ही है पहले जैसा। सो गाइज फाइनली हम लोग टाटा टियागो की सर्विस करवाने के बाद इसको 2-4 चला भी लिए हैं। एंड अब क्या इसका एक्सपीरियंस रहा, सर्विस एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ें जो जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये जो सीट के एडजस्टमेंट वाले कंट्रोल्स थे ये थोड़े हार्ड से चल रहे थे, तो ये बढ़िया से स्मूथ कर दिए हैं। ये वाली एक जो प्रॉब्लम थी वो रिजोल्व हो गई। एंड जो डैशबोर्ड एंड अपने डोर्स पे से जो साउंड आ रही थी वो वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पे रिजोल्व हो गई है, अब तो साउंड नहीं आ रही है। अब ये कितने दिन तक नहीं आती है वो चीज़ें देखता हूँ। बाकी एक थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाले जो पैनल्स थे अपने पार्सल ट्रे वाले ये यहाँ से निकल गए थे, ये वाला भाई पूरा, और इसके कारण भी थोड़ी सी भड़बड़ की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे ये एक एक छोटा छोटा स्क्रू लगा दिया है, तो एक ये वाली प्रॉब्लम भी अच्छे से रिजोल्व हो चुकी है। एंड एक प्रॉब्लम इस जो गाड़ी में थी और अभी भी रिजोल्व नहीं हुई है वो ये थी कि जैसे ही मतलब मैं कभी भी अपनी गाड़ी का जो टाइम है, जो वॉच है आप यहाँ पे जो आपको दिखती है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, ये दिख रही 2:35 और यहाँ पर भी सेम आपको 2:35 दिखाता है, बट एक्चुअल में अभी टाइम आप देख सकते हैं 1:30 है। एंड इसका टाइम कितना भी मिला लो, कुछ भी कर लो, कभी भी सही नहीं रहता। ये चीज़ मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि इसका एक पर्टिकुलर आपको सिस्टम में अपडेट करवाना पड़ेगा, कहीं से मंगवाएंगे वो, तो 10-15 बाद मुझे फ़ोन करेंगे, तो मुझे वापस से सर्विस सेंटर आना पड़ेगा एंड अपने इस सिस्टम को पूरा अपडेट कराना पड़ेगा, एंड उसके बाद ये वाली जो समस्या है वो फिर कभी नहीं आएगी। सो ये कुछ समस्या थी, बाकी जनरल चेकअप हुआ, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर वगैरह सारे चेक हुए हैं। एंड कोई भी मतलब कोई खास ज़्यादा गाड़ी चली नहीं थी तो चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, नट बोल्ट वगैरह टाइट हुए हैं थोड़े से, एंड बस यही सारा काम हुआ है। ऑयल वगैरह जो ये सर्विस थी फोर सर्विस इसमें चेंज नहीं होता है। एंड जो धुलाई वगैरह करी इन्होंने काफ़ी अच्छी करी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी गाड़ी गंदी संदी नहीं लग रही, अंदर भी मस्त नई गाड़ी वाली जो खुशबू है वो आ रही है, और टायर पे यहाँ पे वो जो पॉलिश लग जाता है उसके बाद अलग ही मस्त चमकते हैं। और एक चीज़ कभी भी ध्यान रखवाना, ये जो पॉलिश करते हैं ना ये लोग, ये थोड़ा सा कचरा ये पकड़ता है, करवाते समय तो अच्छा लगता है लेकिन ये थोड़ी देर बाद क्या है ये कचरा पकड़ने लगता है, तो ज़्यादा हेवी पॉलिश ना करवाएं। डैशबोर्ड पर भी अभी अगर आप यहाँ पे कुछ कचरा वचरा गाड़ी में अगर कांच खोल के अगर धूल जैसा अगर अंदर आता है ना तो ये सब इस पर चिपक जाता है। एंड हाँ इस पर भी कर देते हैं कई बार, तो इस पर पर्सनली कभी मत करवाना भाई, हाथ पूरे चिपचिपे लगने लगते हैं, बहुत बेकार लगता है। एंड ये थी भाई कुछ टोटल ओवरऑल सर्विस। एंड वो जो समस्या थी एक बोनट के नीचे बैटरी का जो वाटर था वो फिल गया था, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो बैटरी का पानी था वो गिर गया था, इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली, घर पे भी जो बेकिंग सोडा वगैरह से धोना होना जो भी होता है वो चीज़ें ट्राई करके देख ली, ये दाग जो है नहीं जाता। तो उनको मैंने बताया तो उनका कहना ये है कि गाड़ी के नीचे कुछ कंपोनेंट होते हैं ऐसे जिसमें कि जंग वगैरह या ये सारी चीज़ें आना नॉर्मल है, और कंपनी को पहले से पता रहता है कि भाई बैटरी है तो बैटरी का पानी भी कभी ना कभी तो ढुलेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत जो दाग वगैरह आया है इससे कभी कोई दिक्कत नहीं है, ये मूवेबल पार्ट्स होते हैं। एंड
इसमें कभी भी समस्या नहीं आएगी। जैसे गाड़ी के नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो जंग आ रहा होगा, या आपके कंप्रेसर में जंग आता है, नीचे की तरफ साइलेंसर में हल्का फुल्का जंग है, तो ये छोटी मोटी जगह है। जैसे आपके कभी कभी डिस्क ब्रेक जो रहता है इसमें भी आपको जंग देखने को मिला, तो इन चीज़ों में क्या है, जंग आती है एंड दिस इज़ नॉर्मल। ये आपकी बॉडी के अंदर जो भी जंग लगता है, जो डिफेक्ट वाला सिस्टम होता है, उसमें काउंट नहीं होता। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे जैसे यहाँ पर या नीचे की तरफ यहाँ पर अगर जंग लगता है तो वो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो सो भाई ये कुछ चीज़ें थी गाड़ी के अंदर जो काम हुआ और जो उन्होंने मुझे बताया। बाकी प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई एक भी रुपया नहीं लगा, फोर्थ सर्विस होने के बावजूद ये मेरी बिल्कुल फ्री में हुई थी, क्योंकि थर्ड सर्विस में मैंने AMC ले ली थी सिल्वर वाली एंड उसके मुझे लगभग 2-4-5 सौ रुपये ज़्यादा देने पड़े थे, एंड वो पैसे देने के कारण मैंने 1100 रुपये की जो लेबर चार्ज है वो इस वाली सर्विस पे बचा ली, एंड बिल उन्होंने दिया नहीं। पता नहीं, बोलते यार बिल नहीं निकल रहा, सर्वर नहीं हो रहा, गेट पास बना दिया, लेके चले जाओ, बिल बाद में ले लेना है, बिल बाद में निकाल लेंगे। तो मैं कहा पैसे दे नहीं रहे अपन, तो बिल भी ठीक है हटाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यही था भाई वीडियो टोटल टाटा टियागो की फोर्थ सर्विस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।